हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेनेवो के 8 प्लस के थर्ड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, ये अपडेट कल ही आया है, आते ही मैंने आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो में जाकर के उसके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें आपको लाइव अपडेट करके दिखाऊंगा, इसको इंस्टॉल करूंगा, ये कितने MB का है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इसके पहले सबसे पहले आपको वाईफाई ऑन कर लेने होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी वाईफाई ऑन है। वाईफाई से आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको सेटिंग में जाते हैं आपको यहाँ पर एक अबाउट फोन का ऑप्शन नीचे में दिख रहा होगा, आपको उसी पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 5 सितंबर 2017 का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल है फ्रेंड्स। अब ये लेनेवो वालों ने किसका दिया है, चलिए सिस्टम अपडेट में देख लेते हैं। सॉरी, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम अपडेट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच थ्राउ नवंबर, यानी कि इसमें नवंबर का दिखा रहा है, नवंबर 2017 का, और पता नहीं अपडेट करने के बाद दिखाया गया। ऐसे तो दिखा रहा है कि जनवरी का अपडेट है, लेकिन यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर नवंबर का ही शो कर रहा है। तो चलिए हम इसे फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। जो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है उस पर हम क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप वाईफाई से करना चाहते हैं या आप अपने मोबाइल नेटवर्क से करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर वाईफाई करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे 120 MB का ये फाइल बना हुआ है। चलिए हम यहाँ पर फटाफट कंटिन्यू कर देते हैं फ्रेंड्स। अब आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, लिखा हुआ सिस्टम अपडेट। चलिए इसे फटाफट अपडेट होने देते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट अभी हो रहा है, तो फिलहाल होने दीजिए इसे अपडेट। इसे आप ध्यान से देख रहे हो कि सिक्योरिटी पैच 5 सितंबर का है, अगला कौन सा होता है आप देख लीजिएगा ध्यान से। इसको थोड़ा होने में समय लग रहा है, तब तक के लिए हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरा 50% हो चुका है, तो मेरा कुछ समय और वेट कर लेना है, मेरे अपडेट फुल होते ही मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 90% होने वाला है। चलिए 90% मेरा हो चुका है, थोड़ा सा आपको और वेट कर लेना है। चलिए अब होने वाला ही है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। वाईफाई सब करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको जल्दी फास्ट भी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आपको बता देते हैं अपडेट करने के बाद आपको क्या करना होगा इसमें, तभी आपको इंस्टॉल होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई भी हो चुका है, अब आपको क्या करना है चलिए आपको फिर से सेटिंग में जाकर के दिखा देते हैं। अब आपको फिर से सेटिंग में जाने होगा और अबाउट फोन में जाने होगा फ्रेंड्स, फिर से सिस्टम अपडेट्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपको 20 मिनट का टाइम दिया है, अब 20 मिनट के अंदर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और ज़रूर बता दूं कि आपको जब भी सिस्टम अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको 50% से चार्जिंग ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स, ये काम में मत कीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पर चार्ज फुल है, 100% है, आप 50% से ऊपर भी रखिएगा तो कोई बात नहीं। चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से। आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम देगा, 10 सेकंड के अंदर ये हो जाएगा फटाफट। ये ऑटोमेटिक अब यहाँ पे रिबूट हो जाएगा फ़ोन। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिस्टम अपडेटिंग प्रिपेयरिंग टू अपडेट, यहाँ पे इसी तरह का ऑप्शन आपको भी दिखने वाला है, तो प्लीज़ आप भी फटाफट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो रहा है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा सब ऑटोमेटिक ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स इंस्टॉल सिस्टम अपडेट लिख रहा है, लिक्विड जो मेरा सिस्टम है अपडेट हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरा सिस्टम ही अपडेट हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी से होने देना है।
थोड़ा सा आपको वेट लगेगा, वीडियो थोड़ा पॉज कर देते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसे होने देना है आपको ऐसे ही। इसी तरह से थोड़ा वेट कर लेने होगा यहाँ पे आपको, इसी तरह का आपको भी ऑप्शन मिलने वाला है, आप ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड मेरा ये प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। देख सकते हैं मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, अब क्या ऑप्शन आएगा। लग रहा है मेरा फ़ोन अब स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं स्टार्ट हो रहा है। इसे ऐसे ही आपको स्टार्ट हो देने देना है। देख सकते हैं मेरा यहाँ पर फोन स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर किस तरह का ऑप्शन आ रहा है आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एंड्रॉयड अपडेट हो रहा है, मतलब जो फिनिशिंग पूरा हो रहा है, जो सिस्टम पर इंस्टॉल हो रहा है, फिनिशिंग हो रहा है, यहाँ पर फिनिश भी मेरा हो चुका है। तो चलिए हम आपको फिर से अबाउट फोन में जाकर के दिखा देते हैं ये अपडेट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ है, इसका सिक्योरिटी पैच क्या हुआ है, क्या रखाया गया है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है 5 जनवरी 2018, लेकिन फ्रेंड्स इसमें अपडेट कम्प्लीट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेनोवो के 8 प्लस हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेट्स, यानी कि जो कि मेरा अपडेट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे आप सिक्योरिटी पैच में देख सकते हैं, जो कि अपडेट मेरा आया था उसमें हमको नवंबर का शो कर रहा था, लेकिन जब अपडेट होने के बाद ये जनवरी का दिखा रहे हैं, यानी कि जनवरी का अपडेट ही होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसका अपडेट के फीचर्स के जानने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्त अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स।